हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम की। जितने भी मैंने सिस्टम अभी इससे पहले डिस्कस किए थे, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि सिस्टम के अंदर रीजनरेटिव टाइप कूलिंग सिस्टम कैसा बनाते हैं, लाइक ये आपका इवोपरेटिव कूलिंग सिस्टम जैसा ही है, पर इसके अंदर कुछ थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, तो वो अपन को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे क्या है कि स्टार्टिंग से जब जो आपका मास आ रहा होगा यहाँ पे मेन कंप्रेसर के थ्रू, वो आपका मास होगा M1। क्या होगा आपका मास? M1। तो M1 मास जो है उसको मैं बोलूंगा दैट्स अ टोटल मास। मतलब ये क्या है मेरा यहाँ पे आपका टोटल मास। आप सभी को पता है कि MA क्या होता था, आपका जो मास आपका केविन के अंदर जा रहा होता वो आपका क्या होता था, केविन का मास, केविन मास या फिर एयर ब्लेंड मास होता था, ठीक है। और जो आपका सेकेंडरी मास होता है, अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक सिस्टम के अंदर आपका M1 आया, और M1 से M2 जो आपका MA है वो अंदर की तरफ चला गया, और बचा हुआ M2 कहाँ पे आ गया आपका रीजनरेटिव सिस्टम के अंदर। तो जो M2 मास है वो क्या है आपका मास ऑफ द एयर फ्रॉम द कूलिंग सिस्टम फ्रॉम द टर्बाइन, मतलब टू द कूलिंग सिस्टम ऑफ द टर्बाइन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी टर्बाइन के थ्रू मास आ रहा है रीजनरेटिव सिस्टम के अंदर वो है आपका M2। तो यहां पे क्या लिखूंगा, मास ऑफ एयर फ्रॉम द कूलिंग टर्बाइन फॉर रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो मैं यहां पे एक चीज आपको बता सकता हूं कि अगर मैं बोलूं यहां पे कि MA इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका M1 माइनस के M2, क्या हो जाएगा MA इज इक्वल क्या हो जाएगा M1 माइनस के M2। कैसे कि M1 यहां से आया और उसमें से MA निकल गया, तो क्या बच के चला गया आपका M2। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि MA की वैल्यू कितनी होगी आपके यहाँ पे M1 माइनस के M2। और यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि M1 इज इक्वल क्या हो जाएगा MA प्लस के M2। ये वाली बात ध्यान रखनी है। अगर अब मेरे को जैसे वर्क डन फाइंड आउट करना है आपके मेन कंप्रेशर का, तो उसके अंदर जो आपका मास कैलकुलेट होगा वो होगा आपका M1। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए, तो उसके अंदर मास कौन सा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, MA। तो देख लेते हैं यहाँ पर साइकिल तो बिल्कुल चेंज नहीं है। अगर मैं साइकिल की बात करूँ तो यहाँ पे बस मेन चीज क्या होगी, यहाँ पे मेरे को एक चीज आइडेंटिफाई करनी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले साइकिल बना देता हूँ, जिससे TS डायग्राम सिमिलरली पहले तरीके से पहले से बहुत बार बना चुका हूँ। साइकिल एम्बियंट प्रेशर पहला पॉइंट हो जाएगा 1-2-2, फिर आपका आइडल रैम प्रोसेस होगा, ये हो गया 2 प्रोसेस, फिर यहीं पे आपका एक एक्चुअल रैम प्रोसेस। अगर आपने मेरी और वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ उसमें जाके देख लीजिए, और ज़्यादा आपको डीपली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मैं बहुत बार बना चुका हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। इसके बाद आपका मेन कंप्रेसर में जाएगा तो 2-3 जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 3 पॉइंट। अगर इसकी एफिशिएंसी भी दी है तो आपकी इसकी एफिशिएंसी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दी होगी तो 3- हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका 4 में आ रहा है फर्स्ट हीट एक्सचेंजर, जैसे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट हीट एक्सचेंजर आपका 4 में आ रहा है 4। उसके बाद मेरे को 5th में कहाँ जा रहा हूँ, सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर यानी कि रीजनरेटिव में जा रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा 5th पॉइंट रीजनरेटिव के अंदर आ गया। इसके बाद आपको दिख रहा होगा रीजनरेटिव से कूलिंग टर्बाइन में जा रहा हूँ, तो एक्सपांड करूंगा उसको 6 पे और केविन टेम्परेचर तक लेके आऊंगा, ये मेरा केविन प्रेशर हो गया, केविन प्रेशर ये 6 पे मैं कहाँ तक लेके आया, केविन प्रेशर में लेके आया। और अगर इसकी एफिशिएंसी भी दी तो यहाँ पे 6- हो जाएगा, और 7 पे आपका क्या हो जाएगा केविन में आ जाएगा। अब मेन यहाँ पे आता है आपका कि यहाँ पे एक चीज मैंने दिखाई कि 6 से 7 में केविन में चला जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये देख लिया यहाँ पे, ये केविन में जा रहा है, पेपर मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे 7 आपका केबिन में जा रहा है। पर उसी से पहले यहाँ से आपकी एयर कट होके कहाँ पे जा रही है, रीजनरेटिव सिस्टम में जा रही है, कि उसको कूलिंग प्रोवाइड करनी है आपका हीट एक्सचेंजर है उसको। तो वो अपन कैसे करेंगे ये चीज आपको समझनी होगी कि यहाँ पे आपका मास कितना आ रहा है, टेम्परेचर कौन कौन से वेरी हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रीजनरेटिव को बना लेता हूँ, ये मैंने बना दिया यहाँ पे रीजनरेटर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे आपकी ये मेन कंप्रेसर से आ रही है एयर, ये यहाँ से निकल रही है, ये वाला पॉइंट आपको पता है दिस इज माय 4th पॉइंट, देख लीजिए यहाँ पे 4th पॉइंट है, दिस इज माय 5th पॉइंट। अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि जो 4th और 5th है वो मेरी फर्स्ट हीट एक्सचेंजर के अंदर, और इसके अंदर मास कौन सा आ रहा है मेरा आपका M1 मास आ रहा है, ठीक है, क्लियर रखा नहीं यहाँ तक। इसके बाद मेरा 5-6 आपकी यहाँ से 5-6 आपकी टर्बाइन के अंदर जा रही है, और यहाँ से जो आपका टेम्परेचर है
T6 डैश, यहाँ से जो आपकी एयर निकल के जा रही है वो कहाँ आ रही है, यहाँ पे अंदर, और यहाँ से कहाँ बाहर निकल रही है आपकी T8 में, मतलब 8 पॉइंट में निकल रही है, यानी कि 8 पॉइंट ये आपका, और यहाँ से जो एयर निकल रही है वो कौन सी निकल रही है आपकी M2 वाली। तो आपको पता है कि जो आपकी हीट एक्सचेंजर में आपकी हीट इनपुट दी जा रही है, क्योंकि यहाँ से देखिए आपकी हीट एक्सचेंजर के यहाँ से हीट आएगी वो हीट रिजेक्ट होगी, और यहाँ पे क्या होगी आपको हीट इनपुट होगी वो क्या होगी आपकी बराबर होगी। कैसे बराबर होगी, जैसे आपको पता है कि एनर्जी नैदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और इसके आगे तो केविन है, मतलब 7 वाला पॉइंट है वो आपको केविन का है, तो वो अलग है, तो यहाँ से आपकी अलग हो रही है। तो क्या होगा, इसके अंदर कितनी एनर्जी आपने गेन करी, तो कितनी एनर्जी गेन की होगी आपने M1 Cp, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है T5 - T4 या T4 - T5, देख लीजिए T4 > T5, तो T4 - T5 होगा, T4 - T5, ये क्लियर हो गई होगी यहाँ तक कहानी कैसा हुआ। इसके बाद मास M2 * Cp, मास M2 * Cp इसके अंदर लेके आना है मेरे को, M2 * Cp क्या होगा, देखिए टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ पे ज़्यादा है, देखिए एयर का टेम्परेचर T7 - T8 है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होगा यहाँ से जाएगा और ये इसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया होगा, तो T8 - T6 - तो यहाँ से आपको M2 की वैल्यू आइडेंटिफाई होगी कि M2 इज इक्वल M1 Cp T4 - T5 ओवर Cp T8 - T6 - Cp to Cp कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या है M1 T4 - T5 ओवर T8 - T6 - ये आपकी M2 की वैल्यू निकल के आएगी। जब आप M2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, जैसे यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन के अंदर कि आपकी पावर कितनी होगी, तो पावर तो आपकी सिंपल है, पावर के लिए आपका M1 का फॉर्मूला यूज होगा Cp, क्योंकि आपका M1 ही कंप्रेसर के अंदर जा रहा है, तो T3 - T2 ओवर 60, तो ये आपकी पावर हो जाएगी, और ये किसमें होगी आपकी किलोवाट। अब आपसे पूछते हैं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना होगा, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में आपका MA आएगा, MACP T7 - T6 - तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, और ये जो वैल्यू निकली वो निकलेगी आपकी किलो जूल पर मिनट में। तो ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए COP की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी अलग है और वर्क डन भी अलग है, तो कोई कट करके मत आ जाना वर्क डन, ये क्या होगा आपका MACP T7 - T6 - T7 - T6 - ओवर M1 Cp T3 - T2 - क्योंकि यहाँ पे पहले तो अपन MA कैंसिल आउट कर देते हैं, पर यहाँ पे नहीं होगा, पर CP कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू। और इसी के साथ मेरी एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की साइकिल जो है यूनिट है वो कंप्लीटेड हो चुकी है। अगर आपको और कोई टॉपिक पूछना है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, 100% रिप्लाई करता हूँ, एक आध रिप्लाई नहीं करता हूँ कि कुछ उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।